तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एस आर एस के बारे में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट किस तरह से हमारा एस आर एस होना चाहिए और किस तरह की कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जो एस आर एस के अंदर लिखना चाहिए और हमने ये भी देखा कि आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एस आर एस होता है उसका टेम्पलेट कैसा होता है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमारे एस आर एस के अंदर शामिल करने होते हैं तो उसी सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने देखे थे यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरफेस को हमने देखा था कि किस किस तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं और जब हम कोई एस आर एस लिखते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें एस आर एस के अंदर लिखनी पड़ती है तो पिछली वाली क्लास में हमने देखे थे कि अलग अलग यूजर इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस तो अब हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है अलग अलग यूजर इंटरफेस ज़रूरी हो सकते हैं अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर के लिए तो वो बातें हमें एस आर एस के अंदर मेंशन करना ज़रूरी होती हैं अब वो तो थे यूजर इंटरफेस अब हम बात करते हैं हार्डवेयर इंटरफेस की तो जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए किस तरह के हार्डवेयर इंटरफेसेस की जरूरत पड़ने वाली है तो ये जानकारी भी हम एस आर एस के अंदर लिख दिया करते हैं तो हार्डवेयर इंटरफेसेस तो आपने देखे ही हैं। हार्डवेयर इंटरफेसेस आर द प्लग्स, सॉकेट्स केबल्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवलिंग थ्रू देम। तो हार्डवेयर इंटरफेसेस क्या होते हैं जैसे प्लग होते हैं अपने सॉकेट होते हैं तो या फिर केबल होती है ये सारे हार्डवेयर इंटरफेस होते हैं जो एक हार्डवेयर का दूसरे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कराते हैं कम्युनिकेशन कराते हैं तो ऐसे इंटरफेसेस को हम क्या कहते है? हैं हार्डवेयर इंटरफेसेस कहते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो यू अपना यूनिवर्सल सीरियल बस यू तो हम लोग डेली जिंदगी में यूज़ करते ही हैं यू के बिना तो हमारा काम नहीं चलता तो ये एक इंटरफेस होता है इसके थ्रू आपने देखा होगा अपना मोबाइल जो होता है वो हम हमारे लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ यहाँ इंटरेक्ट कर पा रहा है हार्डवेयर इंटरफेस की मदद से फिर फायर वायर होते हैं इथरनेट होते हैं ए टी ए आई डी इंटरफेस होते हैं ए सी एस आई इंटरफेस होते हैं तो ये अलग अलग इंटरफेसेस यहाँ पर अलग अलग काम आते हैं जैसे इसके थ्रू तो आप इंटरनेट चला पाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर इसके थ्रू आप आपके प्रोसेसर को आप अपनी हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर पाते हो तो इस तरह से अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं तो आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए किस तरह के हार्डवेयर इंटरफेसेस का होना जरूरी है जैसे कि आप मान लीजिए कोई साउंड एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं आप मान लीजिए कोई म्यूजिक रिकॉर्ड आप करना चाहते हैं म्यूजिक कंपोज आप करना चाहते हैं तो म्यूजिक कंपोज करने के लिए आपको आपके सिंथेसाइजर को या लीजिए आपके की को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा ताकि उस सॉफ्टवेयर तक आपके कीबोर्ड का साउंड जा सके तो क्या जरूरी इंटरफेस है जिसके थ्रू हमारे कीबोर्ड का कीबोर्ड का साउंड यानी कि पियानो कीबोर्ड का मतलब हो गया पियानो या फिर के लिए सिंथेसाइजर तो उसका साउंड जाकर सॉफ्टवेयर में जाकर रिकॉर्ड हो पाए तो इसके लिए हम बीच में हमें किस तरह के इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी जैसे सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव एम के जेक की जरूरत पड़ेगी तो ऐसी केबल हमें चाहिए होगी जो सिक्स पॉइंट सिक्स के जेक के अंदर लग सके और कीबोर्ड से हमारे सिंथेसाइजर से जो साउंड है वो हमारे कंप्यूटर तक जा सके हमारे सॉफ्टवेयर तक जा सके तो इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरह के हार्डवेयर इंटरफेसेस की आवश्यकता पड़ती है तो ये जानकारी भी हमें एस के अंदर लिखनी होती है फिर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस किस तरह के रखने होंगे सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस क्या होते हैं तो सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस या फिर कह लीजिए प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस आर द लैंग्वेजेस कोड्स एंड मैसेजेस दैट प्रोग्राम्स यूज टू कम्युनिकेट विथ इच अदर तो ऐसे इंटरफेसेस जिनकी मदद से एक प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट कर पाए या एक सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाए या फिर एक सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए तो ऐसे इंटरफेसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस तो जैसे कि आ, हम लोग अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा एक फ्रंट एंड होता है बैक एंड पर हमारा डेटाबेस होता है फ्रंट एंड पर हमारा जी होता है बीच में हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो फ्रंट एंड है उसे अगर बेक एंड के साथ अगर कनेक्ट करना है तो बीच में हमें इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है तो सिक्वेंशर सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं तो वो भी एक तरह का इंटरफेस हो गया क्योंकि एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम के साथ वहाँ कम्युनिकेशन करने में वो मददगार होता है और वहीं अगर हम अगर देखें तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे विंडोज़ मैक लिनक्स ये भी क्या है ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस ही हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करते उनके लिए बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे जो दूसरे एप्लीकेशन्स होते हैं उनके लिए इंटरफेस का काम करता है उन उनको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है तो इसलिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये भी क्या हो गए एक तरह के इंटरफेस हो गए तो इस तरह से अलग अलग तरह के इंटरफेसेस हो सकते हैं तो किस तरह के इंटरफेसेस की सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस की ज़रूरत है रिक्वायरमेंट है तो ये चीज़ें भी एस के अंदर मेंशन की जाती है फिर इसके साथ ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी हमें यहाँ पर बताना होता है हमने देखा था हमने टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो यूज़र खुद बताता है कि उसे कौन कौन सी फंक्शनलिटी चाहिए कौन कौन से

इसमें यार दिखा तो रहा नहीं है कि कौन वेट कर रहा है ऋषभ का मैसेज आया ऋषभ वेट तो कर रहा है पर कहां पर वेट कर रहा है <laughs> एड हो गया यस सर यस सर सर वो और ये कभी कभार लेता नहीं है सर ऑटो uh, ये admin. मुझे ऐसा लगता yeah. है कि जैसे वो मैंने दूसरी स्क्रीन पे जब प्रेजेंट कर रहा था ना तो yes तब ये आप लोगों को क्या है वेटिंग रूम में रखता है और फिर मैं yes जैसे yes इधर आता हूँ <laughs> तो yes ये क्या है कि सबको सबको वन बाय वन सबको ये शामिल कर लेता है yes <laughs> कितने देर से इंतजार कर रहे थे सर अभी सार, सार तो छह सात मिनट हो गई अच्छा 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 मतलब छह सात ज्वाइन की थी हाँ 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 ऐसा होता हो, हो ना कि जैसे इंतजार करना पड़ रहा हो मान लो तुम लोगों को वेटिंग रूम में बिठा लिया हो <laughs> तो मुझे 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 कॉल कर दिया करो तो मैं क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि जब अपन स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं ना तो उस टाइम पर ये वेटिंग रूम में डाल देता है सबको जो जो भी नए होते हैं अब शायद कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में है ना अब सारे आ चुके हैं चलो करें कंटिन्यू यस सर ठीक है कंटिन्यू करते हैं तो आपको एस आर एस में क्या लिखना होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखना होगी तो जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप अलग अलग सबसेक्शंस बनाकर लिख दें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो रहती है वो कुछ इस तरह से आमतौर पर मेंशन की जाती है जैसे पहले तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि भाई ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है फिर उसके बाद आमतौर पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को बताया जाता है कि इनपुट क्या दिए जा रहे हैं फिर प्रोसेसिंग क्या होगी और आउटपुट्स क्या मिलेंगे तो ये रिक्वायरमेंट को कुछ इस तरीके से मेंशन किया जाता है कि भाई ये इनपुट देना होगा जब ये इनपुट दिया जाएगा तो हमें ये आउटपुट मिलना चाहिए कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर के फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर तो ये दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना चाहिए तो उसको कैसे बताएंगे दो नंबर एज ए इनपुट देंगे फिर ये उनका अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करेगा और फिर उनका सम एज ए आउटपुट देगा तो इस तरह से जो भी अलग अलग ऑपरेशंस हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करने वाला है जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम इनपुट्स प्रोसेसिंग और आउटपुट की टर्म्स में यहाँ पर लिख देते हैं तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिखने का एक एक तरीका होता है एस आर एस के अंदर और अगर कोई एरर आ जाती है तो एरर किस तरह से हैंडल की जाएगी इस बात की जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है तो इस तरह से अपना ये एस आर एस चलता रहता है ठीक है अब आगे चलते हैं फिर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बाद यूज केसेस का भी यूज किया जाता है ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात गई यूज केसेस का भी यूज किया जाता है तो आप लोगों ने कभी देखा है क्या यूज केस डायग्राम अभी कहीं आपने पढ़ा है अभी तक किसी सब्जेक्ट में आया है क्या यूज केस डायग्राम शायद अभी तक तो नहीं आया होगा बताओ नो सर है ना अच्छा अभी तक तो नहीं आया हां तो कोई नहीं आगे जाकर क्या होगा कि यूज केस डायग्राम आप डिटेल में समझेंगे एक तरह से यूज केस डायग्राम क्या होता है कि यूज केस डायग्राम ये बताता है कि जो अलग-अलग एंटिटीज है हमारे सिस्टम के अंदर तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इस तरह की चीजें यूज केस डायग्राम के अंदर दिखाते हैं जैसे अगर इसको थोड़ा सा देखें तो ये दिख रहा है क्या छोटे छोटे से डायग्राम क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं आ रहे तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये दो छोटे छोटे से ये बने हुए इंसान एक्टर हैं इनको एक्टर भी कहते हैं तो ये किस तरह से हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस इस तरह से इनका इंटरेक्शन दिखाया जाता है कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जैसे टिकट को सबमिट कर रहा है तो ये बंदा टिकट को सबमिट कर रहा है तो इसको इस तरह से दिखाते हैं आगे जाकर इस चीज को ढंग से देखोगे तो अभी कोई मतलब नहीं इतने कम टाइम में हम यूज केस डायग्राम को तो समझ नहीं सकते पर हाँ यूज केस डायग्राम जो होते हैं इनकी मदद से भी क्या होता है इनकी मदद से ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स को यहां पर मेंशन किया जा सकता है एसआरएस के अंदर कि किस तरह से इंटरेक्शन हो रहे हैं अलग अलग एंटिटीज के बीच में हमारे सिस्टम के अंदर ये बातें यूज केस की मदद से दिखी जा सकती है तो एस के अंदर यूज केस डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएंगे बनाए जा सकते हैं बस अभी इतना ध्यान रख लो कि हाँ जब एस लिखते हैं तो एक यूज केस डायग्राम होता है तो वो यूज केस डायग्राम भी एस के अंदर बना देते हैं लोग और डायग्राम की मदद से यह समझ में आ जाता है कि सिस्टम के अंदर जो अलग अलग एंटिटीज है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ बाकी पूरी जो कहानी है वो तो बाद में जब ढंग से डायग्राम को पढ़ोगे जिस दिन उस दिन क्लियर हो जानी है अब आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट्स तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमने डिस्कस किया था किसी को पता है क्या होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कोई बताना चाहेगा कोई ऐसा शख्स है जिसको याद रहा हो कि जब हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था तो क्या पड़ा था याद <laughs> है किसी को भी देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ये ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो खुद कस्टमर हमें नहीं बताता है ये तो अंडरस्टूड है जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाया किसी ने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो वो हमें ये तो बता देगा कि भाई ये जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है स्टूडेंट के नाम उनके मार्क्स ये सारी चीजें स्टोर करना है और कुछ इस तरह के फंक्शंस इसके होना चाहिए कि जैसे अगर मुझे टॉप टेन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए तो मेरा सॉफ्टवेयर टॉप टेन स्टूडेंट्स की लिस्ट को मुझे सर्च करके दिखा दे इस तरह के फंक्शंस भी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए तो कुछ चीजें तो क्या होता है यूजर खुद बताता है हमको कि मुझे ऐसे ऐसे फंक्शन चाहिए ऐसा मेरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कुछ चीजें वो नहीं बताता वो एक्सपेक्टेड है वो अंडरस्टूड है जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो यूजर ने क्या किया रोल नंबर स्टूडेंट का टाइप कर दिया और सर्च का एक बटन होगा वहां पर सर्च पर उसने क्लिक कर दिया तो जैसे ही रोल नंबर टाइप किया और सर्च के बटन पर क्लिक किया और अब उसको हो गया है आधा घंटा आधे घंटे से उसके सामने स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया ही नहीं और आधे घंटे बाद जाकर उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसकी निगाहों के सामने आया उसका नाम उसका एड्रेस जो जो भी जानकारियां थी वो उसके सामने आई तो जरा बताओ अगर इतना इंतजार यूजर करेगा तो क्या करेगा वो हो सकता है कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन ही फोड़ दे इतना इंतजार सारी बात समझ तो सबर का इम्तिहान आप नहीं ले सकते यूजर का कंप्यूटर ही वो इसलिए यूज कर रहा है ताकि स्पीड से काम तो यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि भाई ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो टाइम कम ले वो ऐसा ना हो कि आधे आधे घंटे में जाकर रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे आंखों के सामने आ रहा है मान लीजिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है कोई अब वहां पर कोई मरीज आया है पहले से उसका इलाज चल रहा था तो मरीज गया विंडो पर उसने कहा कि भैया मेरी मुझे मुझे मेरी फाइल दे दो तो जो ऑपरेटर वहां पर बैठा था उसने मरीज का नाम डाला टाइप किया अब सर्च कर रहा है वो उसकी पूरी हिस्ट्री और इधर मरीज की जान निकल रही है और उधर आपका सॉफ्टवेयर उस मरीज की हिस्ट्री को सर्च कर रहा है सर्च करते करते यहाँ हो गए पंद्रह मिनट और इधर बेचारा जो मरीज है उसकी जान पे बनाई हो सकता है वो दुनिया को अलविदा कह दे अगर इतना टाइम अगर लगेगा तो इस तरह की चीज एक्सपेक्टेड है कि भाई रिकॉर्ड जो है वो जल्दी से मिलना चाहिए टाइम परफॉर्मेंस अच्छी होना चाहिए सीधी सी बात है तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है रिलायबिलिटी होना चाहिए ऐसा ना हो कि भाई कल मैंने डेटा स्टोर किया था और अगले दिन मुझे मिल ही नहीं रहा अवेलेबिलिटी हो सिक्योरिटी हो मैंटेनेबिलिटी हो पोर्टेबिलिटी हो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आप देखना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला जो अभी अपना लेक्चर है उसको एक बार देखना तो यहाँ पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन की जाती है एसआरएस के अंदर अब है इनवर्स रिक्वायरमेंट्स इनवर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होता है ये भी एक तरह के रिक्वायरमेंट्स ही होती है मुझे क्या नहीं चाहिए यह मैं यहां बताता हूँ बाकी रिक्वायरमेंट्स में तो इंसान क्या करता है ये बताता है कि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए ये सारी चीजें तो बाकी रिक्वायरमेंट्स में तो इंसान बताता है ठीक है पर इनवर्स रिक्वायरमेंट में कस्टमर क्या बताता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप मान लीजिए आप कहीं गए कचौरी खाने के लिए आप जाते हैं तो जब आप कचौरी खाने के लिए आप गए तो आपने कचौरी वाले को बोला कि भाई भैया इसमें आप जो है ये लाल चटनी तो डाल देना जो खट्टी मीठी चटनी है ये इसमें डाल देना तो ये तो आपने बताया कि आपको क्या चाहिए कचौरी के अंदर किस तरह की चटनी चाहिए ये आपने बताया है यहाँ पर साथ ही साथ आप क्या भी बोल देते हो कि भैया हरी चटनी मत डालना हरी चटनी रहने देना हरी चटनी बिल्कुल भी मत डालना तो आप यहां यह भी बता रहे हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए मुझे खट्टी मीठी चटनी तो चाहिए ये जो लाल चटनी है ये तो मुझे चाहिए पर मुझे हरी चटनी नहीं चाहिए आपने ये भी बताया मुझे क्या चाहिए और आप जब आप बता रहे हो कि मुझे क्या चाहिए तब तो आप बता रहे हो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हो जब आप बता रहे हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा वो आ जाएगा इनवर्स रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी के, के अंदर वो बात आ जाती है तो जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है अब उसका यूजर इंटरफेस है यूजर हो सकता है आपसे कह दे कि भाई मेरा जो इंटरफेस है वो अच्छा फ्रेंडली होना चाहिए इस जगह सर्च का आइकन होना चाहिए इस जगह यहाँ पर मेन्यू होना चाहिए सारी तो बातें वो बता रहा है और साथ ही साथ वो क्या भी मेंशन कर रहा है कि यार जो यूजर इंटरफेस है उसमें रेड कलर यूज मत करना है चटकीले चा, रंग मत यूज करना ऐसा ना हो कि मतलब वो बहुत चटकीले उसके अंदर रंग हो है ना रंग होते हैं ना वही तेज लाल रंग है आंखों को है यार ऐसे ऐसे कलर मत रखना तो यहाँ वो क्या बता रहा है इनवर्स रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि भैया मुझे रेड कलर का इंटरफेस नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए ये उसने बताया तो ये हो गया इनवर्स रिक्वायरमेंट फिर कुछ डिजाइन कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनके कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हो कुछ उनकी कंपनी की पॉलिसीज हो हार्डवेयर की उनकी कुछ लिमिटेशन हो आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप को उन्होंने पहले ही उन्होंने लिमिट कर दी कि दो जीबी की रैम है हमारे यहाँ जितने भी सिस्टम्स है उनके अंदर तो हार्डवेयर लिमिटेशन हो गई कंपनीज की कुछ पॉलिसीज हो गई उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी खुद की कंपनी की भी कुछ पॉलिसीज है उन्हें भी फॉलो होना चाहिए वो पॉलिसीज वायलेट हो रही है अगर आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं ना कहीं तो फिर गलत बात है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को और अगर उनकी कंपनी की पॉलिसीज को ही वो क्या कर रहा है कि वायलेट कर रहा है कि जैसे <coughs> कि ये सॉफ्टवेयर जो है जो मेन जो मैनेजर है बस वही क्या कर सकता है अदर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देख सकता है कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय के जो पर्सनल डिटेल्स हैं जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उनको नहीं देख सकता तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज होती है कंपनी की तो वो पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना है तो ये पॉलिसीज हैं या स्टैंडर्ड्स हैं या हार्डवेयर लिमिटेशन है तो ये एक तरह से क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं जो बांध देते हैं बंधन डाल देते हैं डेवलपर को उसको अब इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर बनाना है तो बेचारे को अब एक्स्ट्रा उसको एक बंधन आपने बांध दिया कि भाई जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ऐसा बनाना भी है कि जो दो जीबी की रैम में अच्छी परफॉर्मेंस दे इन पॉलिसीज़ का ध्यान रख लेना तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट करती हैं और डिजाइन कॉन्स्टेंट्स के अंदर ये चीजें लिखी जाती है एस के अंदर एनालिसिस मॉडल्स कि भाई कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पर एनालिसिस के लिए यूज हुए हैं जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें डेवलप किया जा रहा है तो कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पर यूज हुए हैं अलग अलग तरह के मॉडल्स हो सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स इस तरह के अलग अलग डायग्राम्स हो सकते हैं तो ये डायग्राम्स तो कभी आगे जाकर अगर होगा अपने सिलेबस में हम देखेंगे इनको डिटेल में वैसे शायद होगा सिलेबस के अंदर होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं फिर बताएंगे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम क्या बताएंगे आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस विल बी टू अपडेट द एस आर एस मान लीजिए एस आर एस के अंदर कुछ चेंजेस करना है ऐसा तो है नहीं एस आर एस अगर एक बार लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गया उसको रिव्यू किया जाएगा और उसको जरूरत के मुताबिक फिर से उसको रिव्यू करने के बाद फिर से क्या किया जा सकता है उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए जा सकते हैं तो अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज हो रहा है तो वो प्रोसेस भी आपको बतानी होगी कि भाई अगर कभी एस आर एस में चेंज करना है तो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एस आर एस के अंदर हमें चेंजेस करना है अपडेशन करना है तो वो प्रोसेस जिसको कि हम यूज करेंगे एस आर एस को अपडेट करने के लिए वो भी हम एस आर एस के अंदर ही क्या कर देते हैं लिख देते हैं जिसको हम लिखते हैं बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस वेन प्रोजेक्ट स्कोप और रिक्वायरमेंट चेंज हाँ, ये तो बात हो ही तो ये यहां से क्या पता चलता है कि चेंजेस कौन सबमिट कर सकता है किन तरीकों से सबमिट कर सकता है और ये चेंजेस कब अप्रूव होंगे वो सारी चीजें भी यहाँ पर बता दी जाती है ठीक है तो इस क्लास को अब हम यहीं पर एंड करते हैं आप लोग ऐसा करिएगा आप लोग जाइएगा मॉडल पर और मॉडल पर जाकर अभी आप अटेंडेंस आपकी मार्क कर दीजिए एक मैंने क्रिएट कर दिया एक में देख लेता हूँ